नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी आइडियाज। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी बिजी इवनिंग शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने इवनिंग में क्या क्या काम करती हूँ और कैसे अपने वर्क को मैनेज करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अपना दिन के पूरे बर्तन वगैरह जो भी मेरा काम होता है, बर्तन झाड़ू वगैरह करके एंड पूजा करके शाम को आदि अगरबत्ती करने के बाद, चाय पीने के बाद मैं अपने डस्टिंग में लग जाती हूँ। डस्टिंग कैसे? छोटा मोटा काम, जैसे कि ये टीवी साफ करना। टीवी में बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, रोज का ही धूल हो जाती है, क्योंकि सामने पे हमारी खिड़की है ना, खिड़की को सारा दिन खुली रहती है हवा के लिए, तो उसी वजह से सारा दिन धूल होती रहती है। तो इसलिए छोटे मोटे काम, टीवी साफ करना, जैसे टीवी का ये सेटअप बॉक्स की डस्टिंग करना, छोटा मोटा काम डस्टिंग वगैरह करना मैं शाम का कर लेती हूँ। 5 से 10 मिनट का काम रहता है मेरा डस्टिंग का, तो मैं अपना डस्टिंग का काम शाम को ही ख़त्म करती हूँ। मुझे सुबह उतना टाइम नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि सुबह भी बहुत काम हो जाता है मेरा। सुबह पे पूरा घर क्लीन करना होता है, फिर उसके बाद नहाना, पूजा और सबका नाश्ता, फिर वही लंच की तैयारी, तो इसलिए मेरा सुबह उतना हो नहीं पाता है। तो मैं जो भी मेरा काम होता है, जैसे कि डस्टिंग का काम हो गया एंड बेडशीट चेंज करने का काम हो गया, तो मैं शाम को ही करती हूँ। तो छोटे मोटे काम जो भी होता है मैं शाम को ही सारा, जो मुझे धोने के कपड़े वगैरह निकालने होते हैं, जैसे कि टेबल का रनर वगैरह निकालना होता है या फिर क्लोज कवर निकालने होते हैं, तो मैं शाम को ही निकाल लेती हूँ। जैसे कि टेबल का रनर मुझे अब धोना है, इसमें सब लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं तो ये भी गंदा हो जाता है, तो मैं इसको शाम को चेंज कर देती हूँ। और सुबह जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो तभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो जो भी मेरे पिलो कवर होंगे या चादर होंगे, तो मैं उसको रात में ही निकाल के भिगो के रखती हूँ, और सुबह वो धोने में थोड़ी आसानी होती है। हम इसको भी चेंज कर दूँगी, ये भी 2-3 दिन से सोच रही थी इसको चेंज करने की, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं चेंज करूँ, तो आज फाइनली मैंने इसको चेंज कर दिया। और ये मेरे पर्दे का कपड़ा है, उसके मैंने 2 पिलो कवर बना लिए, जो बाकी बचा है तो मैं इसको टेबल पर जब कभी बिछा देती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है। डस्टिंग का काम मैं अपना शाम को ही निपटा लेती हूँ एंड उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने स्टोर रूम में। स्टोर रूम मतलब क्या? उसमें हम अपने राशन का सामान रखते हैं, मेरी सिलाई मशीन रखी होती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्टोर रूम का टूर देखना है या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, मैं स्टोर रूम के टूर की वीडियो भी बना दूँगी। और ये साइड में कपड़े दिख रहे हैं, उसको भी तहाना होता है, क्योंकि जो वॉश किए गए वो कपड़े होते हैं उसको मैं शाम को ही तह के रखती हूँ। ये तो एक रूटीन होता है कि सुबह कपड़ों को वॉश करना होता है एंड शाम को उसको तह के रखना होता है, तो साथ ही साथ मैं कपड़े भी घड़ी करके रख देती हूँ। अब ये थोड़ा मैं डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग ये जो वो लोग नहाते हैं तो तेल वगैरह यूज़ करते हैं, मशीन का तेल रखा है, मेरे बाबू के खिलौने वगैरह हो जाते हैं, तो इन सबको भी मैं साइड कर देती हूँ और उसको मशीन को अच्छे से अपना क्लीन कर देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाती है, सुबह के लिए मुझे फुर्सत हो जाती है। साफ़ सुथरा हो जाता है तो सब कितना अच्छा लगने लगता है। और साथ ही साथ ये बाबू की चेयर है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, ऊपर ऊपर कपड़ा मार देती हूँ, बच्चे लोग आते हैं करते हैं तो हाथ वगैरह लगता है, तो साथ ही साथ उसको साफ़ कर देती हूँ। अब मैं अपने कपड़े तह लेती हूँ, सुबह पर जो कपड़े वॉश करती हूँ उसको मैं यहीं साइड पर कुर्सी में रख देती हूँ एंड फिर उसके बाद अपने कपड़े तह लेती हूँ। अब सब डस्टिंग का काम ख़त्म करके मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। अब किचन में मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी, ये मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, आलू मटर और जो भी झींगा वगैरह होता है उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, और साथ में फली की भी। फली में जब मसाला कसती हूँ तभी डाल देती हूँ, वही नॉर्मल मसाले नमक हल्दी डाल के सब्ज़ी को भूंज लेती हूँ, मतलब उसको सॉटे कर लेती हूँ एंड उसके बाद जो भी मैं अदरक लहसुन का और लाल मिर्ची का जो पेस्ट बनाती हूँ उसके बाद वो पेस्ट डाल देती हूँ थोड़ा सब्जी को फेरने के बाद।
मेरी रोटियां बन गई हैं। देखिए मैं इस तरीके से ही रोटियां बनाती हूँ और इसी साइज़ की रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको इसी साइज़ की रोटियां खाना पसंद है। देन रोटियां बनाते बनाते मेरे पास ऑर्डर आ गया है कि आप सूजी बना दीजिए, तो बस वही सब्जी रोटी और सूजी बनाइए। मैं दूध पानी नहीं डाल के, मैं दूध डाल के सूजी बनाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे सूजी बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।